नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 10 और आपके साथ मैं हूं ईशा खान। चलिए शुरुआत करते हैं 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की। फरीदाबाद में विश्व की पहली दिव्यांग माउंटेनर पद्मश्री डॉक्टर अरुणिमा सिंह ने सरकारी अस्पताल में एक बच्चे को दिया जन्म। जन्म देने के बाद पीएम मोदी की तारीफ। यति नरसिंहानंद सरस्वती का वीडियो हुआ वायरल। पीएम मोदी सहित कई महापुरुषों को लेकर की आपत्तिजनक टिप्पणी। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। हापुड़ में कार्तिक मेला हुआ संपन्न। पुलिस ने मेले में 78 से ज्यादा बिछड़ों को उनके परिजनों से मिलाया। आजमगढ़ के मंदूरी हवाई पट्टी के विस्तार को लेकर किसानों की जमीन के अधिग्रहण के प्रस्ताव के खिलाफ किसान पंचायत में पहुंचे राकेश विजय। सरकार के खिलाफ भरा दम। पृथ्वी पर भू वैकुंठ कहे जाने वाले बद्रीनाथ धाम में मौसम की हुई पहली बर्फबारी। बर्फबारी के बाद बद्रीनाथ मंदिर परिसर समेत पूरी बद्रीनाथ नगरी और आसपास के पहाड़ बर्फ की पतली चादर से ढके। हरिद्वार जिले में अवैध शराब का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा। पुलिस ने शराब तस्कर से कई पेटी देसी शराब की बरामद। उत्तराखंड को बने हुए 22 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राज्य स्थापना दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। बच्चों द्वारा दी गई सांस्कृतिक प्रस्तुति। लक्सर और देहात क्षेत्र में किसानों की हो सकती है बल्ले बल्ले। कृषि विभाग ने किसानों के लिए गेहूं की नई वैरायटी की इजाजत। रुड़की में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने चेकिंग के दौरान चोरी की मोटरसाइकिल के साथ अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 वाहन चोरों को किया गिरफ्तार। रुड़की के एक गांव में घर में घुसकर नाबालिग किशोरी के साथ जबरन दुष्कर्म का मामला आया सामने। पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच।